दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह। और दोस्तों, ज्यादा दूध देने वाली गाय हाई यील्डिंग काउ के साथ सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स, वो जनने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम आती है उसका कम खाना। कम खाना मतलब कम ड्राई मैटर इनटेक। और दूसरी जो समस्या आती है वो है कम खाने की वजह से एनर्जी की कमी, और एनर्जी की कमी होने के कारण उसका वजन में जो कमी होती है उसके कारण जो दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ साथ में क्योंकि वो अभी जनी है, धीरे धीरे उसका दूध का उत्पादन बढ़ता जाता है और जो एनर्जी का गैप है या जो ऊर्जा की जो कमी है उसका जो अंतर है वो बढ़ता चला जाता है। और जो ये वेट लॉस है वो 80 किलो से 100 किलो तक हो सकता है, लेकिन जो वजन में जो कमी होती है उसके कारण एक तो पशु कमजोर होता है, दूसरा दूध का उत्पादन जो मिलना चाहिए, जो पीक जो मिलनी चाहिए या जो पीक को सस्टेन करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब दूध के उत्पादन में भारी लॉस, कमजोर पशु, और साथ साथ में जो एनर्जी की कमी हुई है उसके कारण उसका जो कंसेप्शन रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है, या फिर पशु बहुत देर बाद गर्मी पर आता है जनने के बाद। ये तीनों जो प्रॉब्लम है, पहला वेट लॉस, दूसरा जो है मैंने जो बताया दूध में कमी, और तीसरा उसको उसका कंसेप्शन रेट या कंसीव नहीं होना बहुत देर तक या हीट में नहीं आना बहुत दिनों तक, ये तीनों के कारण बहुत बड़ा लॉस होता है फार्मर्स को। मैंने ये देखा है जब पशु कमजोर होना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे बहुत सारे फार्मर्स उसको तेल देना चालू कर देते हैं, या बहुत सारा जो सरसों का तेल है वो पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी क्वांटिटी में पिलाते हैं। और उसके कारण दूसरी जो समस्या पैदा होती है वो है इनडाइजेशन या जो फाइबर का डाइजेशन है, क्योंकि ऑयल की जो कोटिंग होती है फाइबर के ऊपर उसके कारण दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होने लग जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछकर, वेटरनरी डॉक्टर से पूछकर, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछकर, या थोड़े समय के लिए आप उसको ऑयल पिलाते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम थोड़ी क्वांटिटी में, तो हो सकता है उसको नुकसान ना हो, उसके फायदे हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस ज्यादा क्वांटिटी में उसको तेल पिलाते हैं तो डेफिनेटली उसके लॉस देखने को मिलेंगे। पहला होगा उसका फाइबर डाइजेशन, और कई बार तो उसकी वजह से फैट डिप्रेशन भी देखने मिलता है, वो बहुत साइंटिफिक चीज हो जाएगी, मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि तेल देने से कई बार फैट जो मिल्क फैट होता है उसमें भी कमी हो जाती है। दोस्तों अगर फाइबर का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फैट डिप्रेशन भी देखने मिलेगा, इनडाइजेशन भी देखने मिलेगा, और रूमेन का सारा हिसाब किताब या उसका जो 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 एनवायरमेंट होता है वो बिगड़ जाएगा, माइक्रोब्स को भी नुकसान होगा और लंबा नुकसान होगा, आप विश्वास नहीं कर सकते। कई लोग इसको मुझसे कई लोग नाराज भी होते हैं, बोलते हैं सर हम लोग तो देसी घी भी पिलाते हैं और उसको तेल भी पिलाते हैं, भरपूर पिलाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि नेक्स्ट जो काविंग के बाद वो कितने दिन में हीट में आया, कितने दिनों तक वो कंसीव नहीं हुआ। या मैंने देखा है कई लोग बहुत ज्यादा फीडिंग कराते हैं ऑयल की, कुछ समय के लिए उनको फायदा नजर आता है लेकिन लंबे समय में डेफिनेटली साइंटिफिकली उनको लॉस होगा। तो क्या करें? तो फार्मर्स पूछते हैं सर तो क्या करें? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको सबसे बढ़िया तरीका उसको ऑयल सप्लीमेंटेशन का या एनर्जी सप्लीमेंटेशन का वो है बाईपास फैट। आप बाईपास फैट का उपयोग करिए। बाईपास फैट एक्चुअली रूमेन जो होता है उसका जो बड़ा पेट होता है उसको बाईपास कर जाता है, जिसके कारण जो फाइबर डाइजेशन होता है रूमेन के अंदर वो प्रभावित नहीं होता, उस पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, फाइबर का डाइजेशन होता रहता है और फैट भी जो मिल्क फैट होता है वह भी प्रॉपरली सिंथेसिस उसका चलता रहता है, फैट डिप्रेशन नहीं होता, डाइजेशन सही रहता है और उसको एनर्जी उपलब्ध हो जाती है। तो आप कोशिश करिए जनने के पहले से कम 15 से 20 दिन पहले से उसको बाईपास फैट देना स्टार्ट कर दें। कम से कम 100 से 200 ग्राम पर डे पर एनिमल आप इसको दे सकते हैं।
कंपनियां बहुत सारी हैं रिकमेंड करती हैं और साइंटिफिकली ये प्रूवन है, हमने देखा है कि अगर आप बाईपास फैट खिलाते हैं तो पशु कमजोर नहीं होगा, दूध का उत्पादन भरपूर होगा और समय पर हीट पे आएगा, कंसीव जल्दी होगा। तो आप लोग याद रखिए बाईपास फैट, और साथ में अगर आपने अच्छी कंपनी के सही तरीके के अगर आपने उसको मिनरल्स या मिनरल मिक्सचर आपने खिला दिया तो डेफिनेटली वो पशु दूध भी ज्यादा देगा, कमजोर भी नहीं होगा, समय पर कंसीव होगा दोस्तों। और अगर आपने ये तीनों चीजें मैनेज कर ली, आपका पशु हेल्दी हो गया, दूध का उत्पादन ज्यादा हो गया और समय से आपको बच्चा प्राप्त हो गया या उसकी काविंग हो गई या हीट पे आ गया, कंसीव कर गया, यही तो डेयरी का आधार है, तभी तो प्रॉफिटेबल डेयरी कहलाएगी। आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत फायदे की होती हैं। मैं हमेशा बात करता हूं साइंस के बेस पे, या उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरी खुद की रिसर्च होती है, तभी मैं आप तक वो चीजें रिकमेंड करता हूं। बहुत सारे फार्मर्स मेरी बात को पॉजिटिवली लेते हैं, अपनाते हैं, जब फायदा होता है तो वो मुझे धन्यवाद भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तेल पिलाना बहुत जरूरी है और वो तेल पिलाते रहते हैं, बहुत बाद में आते हैं कि सर आपने जो बताया था वो सही था, हमारा ये एनिमल खराब हो गया। तो जो गलत चीजें फील्ड में चल रही हैं उनको रोकना, सही चीजों को बढ़ावा देना, यही इस चैनल का मकसद है, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से जो भी सवाल होते हैं आपके वो पूछते रहें, क्योंकि मैं उन्हीं के जवाब देता हूं, फिर स्टडी करता हूं, कुछ मुझे पता होता है कुछ मुझे नहीं पता होता तो ढूंढता हूं, किताबों में ढूंढता हूं, फील्ड में जानकारी लेता हूं, जो मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करता हूं, फिर कुछ नई चीज निकल कर आती है और आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए, प्यार बनाए रखिए, जय हिंद।